Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson, that was nationalism in India, and there was a difference what we had in the nationalism in Europe and in India. The biggest difference was nationalism in Europe was spread due to making of nation states. They wanted an integrate identity of their country instead of the separate village or dynasties or different states. अब अगर नेशनलिज्म की बात करें यूरोप में, तो वहां क्या था कि छोटे छोटे राज्यों में जो कंट्रीज बटे हुए थे, वो चाहते थे कि एक राष्ट्र की पहचान हो, एक पहचान हो. जैसे इटली जर्मनी का हमने एग्जांपल देखा था, उसके बाद ब्रिटेन की यूनिफिकेशन देखी. लेकिन इंडिया में जो केस था उल्टा था. किस प्रकार? क्योंकि वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, हम तो उपनिवेश थे, हमारे ऊपर तो किसी दूसरे देश के द्वारा शासन किया जा रहा था. एंड नेशनलिज्म कम इन इंडिया एज एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. हमारे यहां तो जिस प्रकार की एक्सप्लोरेटिव पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, उसके विरोध में हमारा नेशनलिज्म आया. राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई? जो पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की थी, जो कि हमारे लिए ज्यादातर एक्सप्लोरेटिव, शोषणकारी थी, ओप्रेसिव थी, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई, जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा आंदोलन बना. अब उसमें हमने कंडीशंस भी देखी थी. कौन सी कंडीशंस थी? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी. वॉर एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड, तो सेना को ज्यादा मजबूत करने के लिए खर्चा बढ़ाया गया. सेना का आएगा कहां से? उनकी सैलरीज कहां से आएंगी? उनकी यूनिफॉर्म कहां से आएंगी? उनके लिए जो रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कहां से होंगी? तो आइदर बाय टेकिंग लोन्स और बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस. या तो टैक्स बढ़ाया जाएगा, लोन लिया जाएगा, लोन लेंगे तो वो भी तो पे करना, उसके लिए भी टैक्स बढ़ाए जाने थे. तो अल्टीमेटली इंक्रीज द टैक्सेस, टैक्स बढ़ाए गए. उसके बाद बेसिक नेसेसिटीज थी, उनकी कीमतें बढ़ रही थी, वो सारी चीजें लोगों तक, सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच रही थी. ए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वॉज देयर इन द आर्मी, सेना के अंदर जबरदस्ती रिक्रूटमेंट किया जा रहा था लोगों का. पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत में इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की शुरुआत कर दी गई थी. अब उसके बाद हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी, ही टर्न्ड बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915. साउथ अफ्रीका से 1915 में वापिस आए. और उससे पहले का अगर आप वहां देखेंगे तो ही लेड मैनी सत्याग्रह देयर और मैनी मूवमेंट्स देयर विद द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस. तो उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से बहुत सारे वहां आंदोलन चलाए थे. एंड ही वाज सक्सेसफुल आल्सो, वहां कामयाब भी हुए वो. तो उसी प्रकार जब 1915 में यहां आए, तो इन्होंने यही आइडिया यहां भी इंप्लीमेंट किया भारत में, कि वी कैन मेक ए मास एजिटेशन, हम लोगों को एक साथ जोड़ के काफी संख्या में विरोध कर सकते हैं ब्रिटिशर्स का. एंड वी विल विन विदाउट नॉन वायलेंस, हम जीतेंगे किसके? बिना अहिंसा के. तो इनका नॉन वायलेंस का जो तरीका था, एंड फॉर द ट्रूथ कोज, और सच्चाई के लिए लड़ना, ये था सत्याग्रह. तो एक्चुअल में सत्याग्रह क्या था? इट वॉज ए मास एजिटेशन थ्रू नॉन वायलेंट मेथड एंड फॉर ए ट्रू कोज, एक सच्चे काम के लिए, सच्चाई के लिए, और बिना अहिंसा के, बिना किसी मारपीट के आंदोलन को चलाना, और भीड़ के साथ, यानी लोग इकट्ठा होकर विरोध करें, यह था सत्याग्रह. यह गांधी जी का आइडिया था. उनका मानना था वी आर सपोज टू परसुएड द ऑपरेसर दैट ही इज डूइंग रॉन्ग, हमें क्या है उस व्यक्ति को सहमत कराना है. एंड बाय रियलाइजिंग और बाय अवेयरिंग हिज कॉन्साइंस, यानी उसके अंतरात्मा को जगाना कि आप गलत कर रहे हो हमारे साथ. तो ये गांधी जी का विचार था कि हम इस प्रकार सच्चे कारण के लिए अगर कोई विरोध करते हैं, हमें किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट सपोज टू यूज द आर्म्स और फिजिकल फोर्स, हमें किसी हथियार इस्तेमाल करने के फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है. वी हैव टू प्रिसुएड द ऑपरेसर, हमें केवल उसको सहमत कराना, यू आर डूइंग रॉन्ग, कि आप गलत कर रहे हो. एंड अल्टीमेटली वी विल विन, और हमारी बात अगर सच्ची है तो हम जीतेंगे. दैट वॉज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. Then after returning back from South Africa in 1915, he led the first satyagraha in Champaran, Bihar. पहला सत्याग्रह भारत में उन्होंने किया था चंपारण बिहार में 1917 में. और ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए थे, किसके खिलाफ था ये? Against the indigo planters, हमारे यहाँ जो नील की खेती कराई जाती थी forcibly, उसके खिलाफ किया गया था. क्योंकि जो फार्मर्स थे वो वहां अपने लिए राइस ग्रो करना चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती किसके लिए? इंडिगो प्लांटेशन के लिए बोला जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा. तो उसके खिलाफ, और उसमें वो कामयाब भी हुए. और उसमें एक महत्वपूर्ण लीडर जो और साथ रहे, लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के पहले प्रेसिडेंट बने. चंपारण आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण नेता महात्मा गांधी के साथ कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने. जब वो कामयाब हो, उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने जो मूवमेंट सत्याग्रह किया वो था उनका अहमदाबाद. और किस लिए था? फॉर द मिल वर्कर्स, दे आर जस्ट डिमांडिंग फॉर हायर वेजेस
एंड लोअर वर्किंग आवर्स और जस्टिफाइबल कि कम से कम न्यायचित हो, आठ सात आठ घंटे तक काम कराया जाए, 15-20 घंटे तक की जो वर्किंग आवर्स उनके खिलाफ और उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, इसके लिए उनका सहयोग किया। अल्टीमेटली अगेन दे वोन, उसमें कामयाब हुए, वेजेस बढ़ा दी गई। देन आफ्टर ही अगेन लेड ए सत्याग्रह इन खेड़ा, इट इज ए विलेज इन गुजरात, गुजरात का एक गांव है, वहां इन्होंने किस लिए किया, बिकॉज ऑफ प्लेग एपिडेमिक एंड ड्यू टू ड्रोट द क्रॉप फेल्योर वाज देयर, फसलें बर्बाद हो गई थी और उसके साथ द फार्मर्स और पीजेंट्स वर अनेबल टू पे देयर रेवेन्यू, तो अब उनके ऊपर इतना टैक्स लगाएगा वो पे कहां से करेंगे जब उनके पास फसल रही नहीं। दे वर जस्ट डिमांडिंग रिलैक्सेशन नॉट रिमिटेशन, वो केवल ये नहीं करते माफ कर दिया उन्होंने, केवल रिलैक्सेशन मांगा था कि इस साल के रेवेन्यू हम अगले साल पे कर दें, यानी थोड़ी छूट दे दी जाए, लेकिन उससे भी अंग्रेज सहमत नहीं थे। फिर वहां एक आंदोलन चलाया गया खेड़ा विलेज में, अब उसमें महात्मा गांधी के साथ फिर एक महत्वपूर्ण नेता जो कि बाद में लेटर ही बिकेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा गांधी के साथ निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और अल्टीमेटली अगेन दे वर फोर्स टू गिव रिलैक्सेशन इन द रेवेन्यूज, फिर वो ब्रिटिशर्स को इसके लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि किसानों ने सबने मिलकर विरोध किया और खेती करना छोड़ दिया कि ठीक है रेवेन्यू में रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण तीन सत्याग्रह थे, जब तीनों ही कामयाब हुए तो उसके बाद इनको लगा कि क्यों ना एक बड़ा मूवमेंट चलाया जाए भारत के अंदर, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और उसके लिए उनको सबसे बड़ा कारण मिला उसी समय के ऊपर भारत के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में एक नया कानून पास कर दिया, वो था रोलेक्ट एक्ट। अब व्हाट वाज द रोलेक्ट एक्ट, ये रोलेक्ट एक्ट था क्या, इसके अंतर्गत विदाउट एनी ट्रायल एनी वन कैन बी डिटेन्ड फॉर 2 years, किसी भी व्यक्ति को बिना केस चलाए बिना किसी एविडेंस के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था, और ये किसके लिए था, जस्ट टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया, जो भारत में राजनीतिक आंदोलन चल रहे हैं उनको केवल सप्रेस करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां चलाएगी, एंड इट वॉज नेम्ड एज ब्लैक एक्ट, इसको भारत ने फिर इसको क्या बोला, काला कानून है बिना किसी सहमति के, क्योंकि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उस वक्त तक बना दी गई थी, कोई किसी से पूछा नहीं गया, जल्दबाजी में नियम पारित कर दिया गया, अगर कोई व्यक्ति विरोध करता है उसके खिलाफ किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, 2 साल तक उसे जेल में जाके पटक दिया ताकि वो आगे अपनी एक्टिविटीज न चला पाए। इसके लिए फिर गांधी जी ने क्या किया, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू डू ए मास मूवमेंट, बड़ा आंदोलन चलाएंगे, एंड ही डिसाइडेड द डेट 6 अप्रैल 1919, उन्होंने डिसाइड किया कि 6 अप्रैल 1919 से हम एक स्ट्राइक करेंगे इसके विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ, और ये सबसे पहले इसका असर कहां, पंजाब से इसकी शुरुआत कर दी गई। अब जब उनको लगा कि अवर बेसिक फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स और विच आर द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश पावर लाइक रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, पुलिस स्टेशन, दे विल बी टारगेटेड फर्स्ट, अंग्रेज भी जानते सबसे पहले उन चीजों को टारगेट करेंगे जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, तो उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मेथड जो अपनाए, स्ट्रॉन्ग मेजर्स कौन से अपनाए, दे डील विद स्ट्रॉन्ग और हैवी हैंड, उन्होंने क्या किया, फोर्स का इस्तेमाल किया, एंड ऑन 10 अप्रैल 10 अप्रैल को अमृतसर में गोलियां चलाई गई, जो मास एजिटेशन का विरोध कर रहे थे स्ट्राइक में उन लोगों के ऊपर, इससे वायलेंस बढ़ गया, वायलेंस और हिंसा बढ़ी, और अल्टीमेटली लोग ज्यादा स्ट्रीट तक गलियों में आ गए विरोध स्वरूप। अब उसके बाद मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया, मार्शल लॉ यानी सेना का कानून, सेना के हाथ में सारा नियम कायदे कानून सब दे दिया गया, व्यवस्था दे दी गई अमृतसर की। तो वहां 13 अप्रैल को फिर लोग जब इकट्ठे हुए, अब 10 अप्रैल को गोलियां चलाने के बाद जब ज्यादा एजिटेशन बढ़ा, ज्यादा मूवमेंट बढ़ा, तो उसके बाद 13 अप्रैल 1919, अब ये बहुत ही फेमस डेट है, बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, जलियांवाला बाग में से कह रहा कि नरसंहार जो काफी संख्या में लोगों को मारा गया जलियांवाला बाग में, तो जनरल डायर मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम पर, क्योंकि मार्शल लॉ लगा दिया गया था, इनके हाथ में सारी व्यवस्था दे दी गई कि आप चलाएंगे, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, देयर वर नैरो एग्जिट, एक तो गेट उसके बहुत नैरो थे यानी वहां से निकलने में परेशानी थी, उनको बंद करा दिया, द एग्जिट वर क्लोज्ड, उनको बंद कर दिया कि कोई व्यक्ति बाहर ना जा पाए। और 13 अप्रैल को उसी दिन, और हर साल इसी दिन आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, 13 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है बैसाखी, पंजाबियों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, जैसे वो लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं वैसे बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं,
और क्योंकि ये समय होता है जो हमारी रबी की फसल है उसके निकलने का, तो उसके टाइम पर ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये क्या है, हमारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है एक। तो कुछ लोग तो गांव से आए थे उस फेस्टिवल के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए परचेजिंग करने के लिए, और कुछ लोग उसके विरोध स्वरूप इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। अब जो फेस्टिवल के तौर पर उनको तो पता भी नहीं था मार्शल लॉ है, उनको ये भी नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगा हुआ, क्योंकि 10 को यह घटना हुई, अचानक से मार्शल लॉ लगाया गया था, भीड़ ज्यादा थी उसको बंद कर दिया गया और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग वॉज डन, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड देयर, और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद एजिटेशन और बढ़ा, विरोध और बढ़ा, अल्टीमेटली दे अगेन यूज द आर्मी। अब उन्होंने वापस सेना का इस्तेमाल किया, और जनरल डायर की लास्ट में स्टेटमेंट क्या थी इस एक्टिविटी के बाद, कि हम ये जो सब कुछ करना चाह रहे हैं कि हमने किसी को मारने के लिए नहीं किया, वी आर जस्ट टेररिजिंग इंडियंस, हम केवल भय देना चाहते थे इंडियंस को, ताकि उनको आगे से इस तरह की एक्टिविटी करने की हिम्मत न मिले। यानी हमने इसलिए फायरिंग की थी वहां बंद करके कि लोग मरे कम लेकिन इतना भय हो जाए कि आगे से ऐसा विरोध न कर पाए। उसमें किया क्या गया, लोगों को देवर फ्लोक, जैसे हमारे यहाँ हर्ड्स झुंड होते हैं जानवरों के, उस प्रकार लोगों को बांध के, और हमारे यहाँ एक पहले प्रधानमंत्री हुए जनता दल, और हमारे यहाँ जनता दल के नेता रहे, और किस्मत वाले रहे कि उनको शायद खुद कोई नहीं पता होगा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे 96 से 99 का जो दौर था उसमें 3 प्रधानमंत्री बदले, उसमें एक थे आई के गुजराल, तो वो बेसिकली वहीं से बिलोंग करने वाले थे, उसके बाद इंडिया शिफ्ट हुए थे वो। तो जो गुजराव वाला जगह है वहां पर इन लोगों को भीड़ में लोगों को बांध दिया गया और बम से उड़ा दिया गया। उसके साथ साथ लोगों को दे आर जस्ट टू क्रॉल इन द स्ट्रीट, उनको गली के अंदर घुटनों के बल चलाया गया, एंड दे वर आस्क्ड टू सलाम देयर ऑफिसर्स और द साहिब, जिन जितने भी अधिकारी थे उनको सलाम करने के लिए बोला कि जो भी निकलेंगे उनको सलाम करते, केवल जस्ट टू ह्यूमिलेटिंग द इंडियंस, कि हमें अपमानित करने के लिए एंड टेररिजिंग, इसके लिए सारे मेजर्स अपनाए गए। अब गांधी जी ने क्या किया, इतना ज्यादा वायलेंस हुआ, उसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया, ही कोल्ड बैक, उसने इस आंदोलन को वापस लिया, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आंदोलन तो किया हमने लेकिन उसका प्रभाव कहां तक सीमित था, ओनली इन टाउन्स एंड सिटीज, केवल इसका प्रभाव रहा गांव में और जो कस्बे थे ना, शहरों में और कस्बों तक, गांव तक ये आंदोलन नहीं पहुंच पाया। तो उनको लगा कि एक बड़े आंदोलन के लिए पहले हमें वी हैव टू ट्रेन द पीपल, थोड़ा सा प्रशिक्षण देना होगा लोगों को, और उसके बाद बड़े आंदोलन की नई रूपरेखा तय करनी होगी, ताकि नॉन वायलेंट मेथड से नया आंदोलन चला पाए। अब गांधी जी को जब ये चीज महसूस, उनको लगा कि वी कांट मेक ए बिग मूवमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ अवर मुस्लिम्स, जो हमारे देश में मुस्लिम, उनकी सहायता के बगैर शायद हम बड़ा आंदोलन नहीं कर पाएंगे, तो ही हैज टू प्रसुएड द मुस्लिम ऑल्सो फॉर ए लार्ज मूवमेंट, उनको सहमत करना था। अब वो इसके लिए ढूंढ ही रहे थे कि क्या मेजर्स अपनाए जाएं। उसी समय 1914-18 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ, उसमें ओटोमन एम्पायर जिसको अब टर्की, जो हमारा तुर्की देश है, उसका जो मुखिया होता था वो ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द होल मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे मुस्लिम समाज का वो आध्यात्मिक गुरु या सबसे बड़ा पद मानते थे। उसकी हार हुई और एक मैसेज ये गया, उस टाइम पर कंफर्म नहीं था ऐसा किया गया, लेकिन देयर वाज अ र्यूमर ओनली, एक अफवाह थी कि सम हार्श कंडीशंस वर इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर द खलीफा, जो ओटोमन एम्पायर के सबसे बड़ा पद है खलीफा, उसके खिलाफ कुछ कंडीशंस ऐसी लगाई जाएंगी, अपमानित किया जाएगा उसको, तो पूरा मुस्लिम वर्ग नाराज था, इवन इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुस्लिम भी। उसके बाद भारत में मुस्लिमों ने एक खिलाफत कमेटी बनाई बॉम्बे के अंदर, कब, 1919 में ही, और उस कमेटी में दो व्यक्ति शौकत अली और मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं हम इनको, इन्होंने एक आंदोलन की रूपरेखा रखी कि हम ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे, केवल ये सारे मेजर्स अपनाए गए इसके लिए। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए दे मेट टू महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी के पास गए क्योंकि महात्मा गांधी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, 3 सत्याग्रह कर चुके थे, 4 रोलेट एक्ट के खिलाफ वो एक मास मूवमेंट कर चुके थे, तो दे मेट टू महात्मा गांधी फॉर ए मास मूवमेंट, उन्होंने वापस महात्मा गांधी से मिले एक बड़ा आंदोलन चलाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने देखा इट इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे लिए तो एक अवसर है टू यूनाइट बोथ मुस्लिम एंड हिंदूज इन इंडिया, कि हम हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर आंदोलन चलाएं। उन्होंने सहमति दे दी कि यस वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द खिलाफत मूवमेंट, हम खिलाफत मूवमेंट का समर्थन करेंगे, एंड अल्टीमेटली खिलाफत मूवमेंट वॉज बिगिन, एंड देन आफ्टर इट वॉज कन्वर्टेड बाई गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, और धीरे धीरे इसी का बेनिफिट लेते हुए महात्मा गांधी ने इसको नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में बदल दिया 1920 के। तो ये हमारे यहाँ महत्वपूर्ण सत्याग्रह तो किए गए गांधी जी के द्वारा। उसके बाद जो हमारे यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण एक्ट 1919 में लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जस्ट टू ओप्रेस और सप्रेस अवर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रोलेट एक्ट, उसके खिलाफ किस प्रकार स्ट्रगल किया गया। देन आफ्टर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट,
और अल्टीमेटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोर मूवमेंट्स लाइक सिविल डिसोबिडेंस एंड नॉन कोऑपरेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.